हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई साधु राजपूत, योर एसएसटी टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1। एंड टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज कॉलोनियल। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज कॉलोनियल। बच्चों, इस टॉपिक में हम कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको बेसिकली ब्रिटिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज। तो बच्चों, इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश को जीता, और कैसे जो यहाँ के जो लोकल नवाब्स और जो राजा थे उनको उनके ऊपर अपना पावर दिखाकर यहाँ पर उन्होंने अपना जो रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, वो एस्टैब्लिश किया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, सोसाइटी, कलेक्ट रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट एंड गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइजेस, produced crops they need for export, and you will understand the changes that came about as a consequences. बच्चों, हम देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो हमारी इंडियन इकनॉमी थी, जो सोसाइटी थी, कैसे उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, कैसे वो अपने सारे एक्सपेंसेस करने के लिए, सारे खर्चे करने के लिए यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और इसके अलावा उन्होंने उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ थी, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उनको लो रेट पर ख़रीदते थे, सस्ते दामों पर ख़रीदते थे, और चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए जिन चीज़ों को उनको एक्सपोर्ट करना होता था, बाहर भेजना होता था, उन चीज़ों की वो उन प्रोडक्ट्स की वो यहाँ पर खेती भी करवाते थे, प्रोड्यूस करवाते थे यहाँ पर। तो ये सब जो भी चीज़ें यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में हुई, तो इन चीज़ों के कारण यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के कारण हमारी कंट्री की जो कंट्री के जो वैल्यूज़ थे, जो भी टेस्ट थे, जो भी पसंद नापसंद था, जो भी रीति रिवाज थे, या जो भी कस्टम्स थे, तौर तरीके थे, उनमें किस किस तरह से चेंजेस आए। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political and economic, social and cultural changes, we refer to process as colonization. देखिए बच्चों, यहाँ पर colonization का definition दिया गया है last के इन 3 lines में। इसका meaning है कि जब एक country दूसरे country पर अपना power दिखाती है, उस पर अपना दबदबा बनाती है, और इस तरह से वो क्या करती है, उस कंट्री के जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस वहाँ पर लेकर आती है वो। यानी कि किसी कंट्री में जो भी उस टाइम का जो भी पॉलिटिकल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसमें चेंजेस करती है, तो इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि कोई कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री पर अपना पावर दिखाकर उसको अपने अंडर में ले लेती है,
और वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल या कल्चरल जो भी चेंजेस करती हैं वहाँ पर, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कॉलोनाइजेशन कहलाता है। ओके, यू विल हाउ एवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। दैट इज़ वाई द बुक इज कॉल्ड आर पास्ट इन द प्लूरल। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें ये भी समझेंगे कि जितने भी क्लासेस थे या जितने भी ग्रुप थे लोगों के, उनमें जो ये चेंजेस आए तो उन्होंने उन सबके एक्सपीरियंस जो थे इन चेंजेस को लेकर अलग अलग थे। मतलब सबके जो एक्सपीरियंस थे वो एक जैसे नहीं थे। जो भी चेंजेस यहाँ पर ब्रिटिशर्स लेके आए, जो भी चेंजेस उन्होंने किए, उसके लिए सबका अपना एक अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो इसी रीज़न से जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसका जो नाम है आवर पास्ट, यानी कि यहाँ पर जो पास्ट है वो प्लूरल वर्ड में यूज़ किया गया है। तो यानी कि हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत यानी कि हमारे पास्ट, यानी कि पास्ट जो थे वो एक तरह का नहीं था सबका। सबके पास्ट अलग अलग तरह के रहे, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के रहे। तो इसीलिए हमारी बुक का जो नाम दिया गया है वो आर पास्ट दिया गया है। ओके, होप सो बच्चों आपको ये कॉलोनियल जो है वो समझ में आया होगा टर्म्स, और कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी नो। ठीक है, यानी कि हाउ डू वी नो मीन्स यानी कि हम कैसे जान सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं। तो इसमें बात की जा रही है हिस्ट्री को जानने की। ठीक है, तो इसमें जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो क्या कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करते थे हिस्ट्री के लिए, वही सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।